अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, फिर भी आप अगर मसाला डोसा खाना चाहते हैं, तो चलिए आज बताते हैं आपको इंस्टेंट मसाला डोसा बनाने, बिना कुछ टाइम खर्च किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डोसा बनाने की तैयारी अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 घंटे पहले ही 1 कप चावल और 1/3 कप उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था। अब हम इसका महीन बारीक पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी से हमारे डोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब हम इसका महीन बारीक पेस्ट बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एकदम ही महीन और बारीक पेस्ट बना हुआ है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हमें बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैटर अभी बहुत गाढ़ी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ी सी पतली करेंगे, ताकि ये तवे पर आसानी से फैला सकें। तो अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी को पतला कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। जब तक ये रेस्ट कर रहा है, तब तक चलिए हम मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने पहले से ही आलू को बॉईल करके रख लिया था। अब हम इसे मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद चलिए अब इसमें तड़के लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। हमें इसे एकदम बारीक चॉप करना है, तो मैंने यहाँ चॉपर से इसे चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज को भी बारीक चॉप किया है, आप इसे कट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर से इसे चॉप कर लिया है। डोसे की फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम किया है, उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जब जीरा चटक जाए, तो अब उसमें हमने जो बारीक कट करके लिया हुआ था अदरक, मिर्च, लहसुन, उसे ऐड करेंगे। जब वो थोड़ा सा पक जाए, तो अब हम इसमें हमारे प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को भुनने के बाद हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। प्याज भुनने के बाद अब हमें कुछ मसाले को ऐड करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसाले भुनने के बाद अब हम इसमें अपने मैश किए हुए आलू को ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। सारे मसाले जब मिल जाएं, तो अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच नमक डालेंगे। हमारे डोसे की फिलिंग अब रेडी हो गई है। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, चलिए हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं। मूंगफली हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें इसे बस हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि हमें चटनी में मूंगफली का मीठापन भी मिले। देखिए, हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल के ठंडा करके इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे। अब हम चटनी बनाने के लिए 2-3 हरे मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक और 1/2 नींबू के रस को ऐड करेंगे। हमारी चटनी रेडी है। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों डालेंगे। सरसों डालने के बाद 2 लाल मिर्च के टुकड़े को डालना है और हम इसमें अब करी पत्ते से तड़का लगाएंगे। अब हमें डोसे के बैटर में 1/2 चम्मच इनो ऐड करना है, या आप 1/2 पैकेट इनो ऐड कर सकते हैं। इनो एकदम लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि इनो डालने के बाद हमारा बैटर तुरंत ही फर्मेंट हो जाता है। सो इनो डालने के बाद आपको बैटर को अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम डोसा बनाने की तरफ प्रोसीड करते हैं।
मैंने तवे को हीट होने के लिए रख दिया था। तवा मेरा एकदम हीट हो गया था, तो मैंने उस पर कुछ पानी के छींटे लगा के उसे कोई भी कॉटन कपड़े से पोंछ दीजिए। अब हम बैटर को तवे पे फैलाएंगे। बैटर फैलाने में आप जल्दी ना करें, एकदम आराम से बैटर को फैलाएं। लेकिन हाँ, बार बार ध्यान देने वाली बात होगी कि आपको तवे को बार बार पानी डाल के ठंडा करना होगा। यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से फैला दिया है। डोसा जब थोड़ा सा पक जाए तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पूरे डोसे पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। डोसे जब हल्के हल्के ब्राउन दिखने लगे तो अब इस पे आलू की जो फिलिंग है उसे अच्छे से फैलाएंगे। आपको अगर पसंद है तो आप टमाटर और प्याज डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से फैलाने के बाद अब हम डोसे को फोल्ड करेंगे। हमारा डोसा रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे बनाइए, खाइए और प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।